और करण जौहर के बीच का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर कंगना रनौत ने धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर की पुरानी वीडियो शेयर कर फिल्म मेकर पर तंज कसा। दरअसल कंगना ने अपने एक फैन की वीडियो शेयर की जिसमें करण जौहर कंगना पर बोलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में करण जौहर कंगना द्वारा मूवी माफिया कहे जाने पर रिएक्ट कर रहे हैं। करण जौहर की ये वीडियो साल 2017 की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इवेंट में करण जौहर से कंगना रनौत को लेकर सवाल किया गया था। तब उन्होंने कहा था, जब उसने मूवी माफिया कहा तो क्या मतलब, वो क्या सोचती है कि हम क्या कर रहे हैं, बैठे रहकर उसे काम नहीं दे रहे, क्या यही हमें माफिया बनाता है? नहीं, हम अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि शायद मुझे उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये मुझे मूवी माफिया नहीं बनाता, ये मुझे एक राय वाला व्यक्ति बनाता है। वहीं एडिट किए गए वीडियो के दूसरे हिस्से में कंगना रनौत का जवाब भी सुनने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, उसने ऐसा कुछ कहा कि मैं बेरोजगार हूँ और उससे नौकरी की तलाश कर रही हूँ। मेरा मतलब है कि मेरे टैलेंट को देखो और अपनी फिल्मों को देखो, मेरा कहना तो साफ साफ है। अब कंगना रनौत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, चाचा चौधरी इन तुच्छ विस्फोटों के लिए थैंक यू। जब मैं खुद को एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर के रूप में एस्टैब्लिश कर लूंगी तो मैं इन्हें आपके चेहरे पर मलूंगी। बता दें कि कंगना रनौत जब करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में आई थी तो कंगना ने उन्हें नेपोटिज्म का कर्ता धरता और मूवी माफिया कहा था, जिसके बाद से ही इन दोनों के बीच झगड़ा अभी तक चालू। वैसे बीते कई दिनों में कंगना करण जौहर पर निशाना साध रही। हाल ही में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बातचीत के दौरान नेपोटिज्म पर सवाल उठाए थे। प्रियंका ने कहा था कि इंडस्ट्री में उन्हें कोने में धकेला जा रहा है, लोग मुझे कास्ट नहीं कर रहे थे। प्रियंका के इस बयान पर कंगना ने दावा किया था कि करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में बैन कर दिया था। इसे लेकर भी करण जौहर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, और अब कंगना ने एक बार फिर करण जौहर पर निशाना साधा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।